देखिए, जिस प्रदेश की सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और उसी विभाग के मंत्री बिजली मंत्री शर्मा जी का जो बयान आया है, एके शर्मा जी का, कि सरकार की जो नाकामियां थी उसकी वजह से ये अघोषित बिजली कटौती की समस्या सरकार के सामने खड़ी, तो कुप्रबंधन की अगर उन्होंने बात की तो ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? इसके पहले जो 5 साल की सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इत्तेफाक की बात है कि मुख्यमंत्री तब भी योगी आदित्यनाथ जी थे, आज भी योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुप्रबंधन का आरोप किस पे लगाने का प्रयास करा जा रहा है और क्यों बढ़ा जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, 3 सवाल हैं। क्या एक भी नया उपकेंद्र, एक भी नया बिजली आपूर्ति के लिए नया कोई सेंट बनाने का प्रयास किया सरकार? आप नया बनाना तो छोड़ दीजिए, आपकी जो बजट आया है सरकार का, इसमें भी कोई नया संयंत्र बनाने की सरकार की कहीं कोई मंशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया। तो इसका मतलब आने वाले 1 साल में भी सरकार कोई नया यूनिट बनाने नहीं जा रही। लगभग कई सारे यूनिट अनपारा में और अन्य जगह बंद हो गए पर नया कोई नहीं चालू हुआ। दूसरा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सरकार बात करती है, अगर बिजली नहीं होगी, आज गांव में लगभग 8 घंटे बिजली मिल रही, सेमी अर्बन क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली मिल रही, शहरों में 15-16 घंटे बिजली मिल रही।